दोस्तों एक बेहतरीन एक्शन मूवी देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिसका इंतजार हम सभी को था उस पर काम स्टार्ट हो गया है। हाँ दोस्तों, फाइनली सिंघम 3 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। सिंघम 3 के सेट से मुहूर्त पूजा के कुछ फोटो बाहर आई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंघम 3 पर काम शुरू हो गया है। इस मूवी में हमें अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह देखने को मिलेंगे और ये मूवी भी अपने कॉप यूनिवर्स का हिस्सा होगा। और कहा यह जा रहा है कि इस मूवी में हमें दीपिका पादुकोण एक इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएगी, जो कि इस मूवी में हमें लेडी सिंघम के कैरेक्टर में देखने को मिलेगी। और रोहित शेट्टी इस मूवी से अपने पहली फीमेल लीड लेडी सिंघम के रोल में दीपिका पादुकोण को कॉप यूनिवर्स में सेटअप करेंगे। फिर इसके बाद शायद हमें रोहित शेट्टी के इस यूनिवर्स में लेडी सिंघम की सोलो मूवी देखने को भी मिल सकती है। इन सब के साथ इसमें हमें रणवीर सिंह और अक्षय कुमार भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिंघम 3 एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। हमने सूर्यवंशी मूवी के क्लाइमेक्स में देखा था सिंघम कैसे जैकी श्रॉफ से बात करते हैं, तो इस मूवी में हमें अजय वर्सेस जैकी देखने को मिलेगा और इन दोनों के बीच ही ये पूरी कहानी घूमते हुए नजर आएगी। दोस्तों रोहित शेट्टी की मूवी है, मतलब इसमें हमें ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा और इस मूवी के साथ रोहित शेट्टी कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इससे पहले आई इनकी सर्कस मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इस लॉस और फ्लॉप लिस्ट से बाहर निकलकर रोहित शेट्टी इस मूवी से साबित करेंगे कि बॉलीवुड में उससे अच्छा कोई मास मसाला मूवी नहीं बना सकता। ये सब होने के बाद अब रूमर्स ये निकल कर आ रहे हैं कि सिंघम 3 में हमें विलन के रोल में अर्जुन कपूर दिखने वाले हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, ये रूमर्स 99% तक सही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी तक किसी को नहीं पता है और इस खबर के कारण अर्जुन कपूर को हेट्स मिल रहा है। लोगों का कहना है कि ये बंदा विलन के रोल में परफेक्ट नहीं है, इसके फेस में कोई इंप्रेशन ही नहीं आता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इन सब के बाद भी रोहित शेट्टी ने कुछ सोच समझ कर ही अर्जुन कपूर को इस मूवी में साइन किया होगा और रोहित शेट्टी का फैसला कहां तक सही है इसका पता हमें इस मूवी के टीजर, ट्रेलर या फिर मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इन सब के अलावा रोहित शेट्टी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सिंघम 3 का रिलीज डेट 15 अगस्त रखा गया था, लेकिन अभी फिलहाल में हमें ये पता चला है कि इस डेट पर ही हमें पुष्पा का सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा, मतलब हमें पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम 3 देखने को मिलेगा। मगर क्यों? और पुष्पा 2 एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जिसका इंतजार हर किसी को है। अगर ये दोनों मूवी सेम डेट पर आती है तो सिंघम 3 को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि इन दोनों मूवी में से किस मूवी का रिलीज डेट आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि सिंघम 3 हमें 15 अगस्त के बाद ही देखने को मिलेगा। और आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना साथ बनाए रखना तरुण थिंकिंग के साथ।